मां निरासु सेवा समिति के द्वारा बिजली काटने की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के महाप्रबंधक बिष्टपुर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि सरजमदा ग्रेड के बिजली विभाग के द्वारा रहरगोड़ा, बारीगोड़ा, सरजमदा, सोपोडेरा, बामनागोड़ा, गधरा, गोविंदपुर इत्यादि क्षेत्रों में हर 3 घंटा के अंदर रोजाना 1 घंटा बिजली काटने से उस क्षेत्र के ग्रामीणों में बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। गर्मी में मोटर नहीं चलने के कारण पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नींद पूरा नहीं होने के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। बिजली की व्यवस्था सही रूप से नहीं होने के कारण बच्चे ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। मां निरासु सेवा समिति के द्वारा बिजली विभाग के AGM को पावर काटने की इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। अगर व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो भविष्य में उस क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ GM कार्यालय बिष्टपुर और बिजली कार्यालय करंदिए का घेराव किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में मां निरासु सेवा समिति के संयोजक सिल्प मुखिया बिरजू पात्रो, राजेश सामंत, जैना जामुदा, विजय पूर्ति, छोटे सरदार, लिली हेम्ब्रम, गोविंद पात्रो, वीर सिंह पात्रो, उमेश महतो आदि शामिल रहे। झारखंड प्रभारी रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। ये सब क्षेत्रों में बिजली जो काट रही है उस समस्या को लेकर हम लोग आज बिजली विभाग के महाप्रबंधक से मिलने आए हैं। इस क्षेत्र में रेगुलर बिजली 1-1 घंटा काट रही है, जिसके कारण बच्चों का पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है और बहुत लोग तो बीमार पड़ जा रहे हैं। तो इससे पहले भी हम लोग JMM और सामाजिक सेवा संघ की ओर से महाप्रबंधक से मिलने आए थे, लेकिन इसका सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम लोग बिजली का संपूर्ण व्यवस्था करके इसका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अगर मान लीजिए आज भी हम लोग मां निरासु सेवा समिति की ओर से आए हैं, अगर इसका निदान नहीं निकलता है तो हम लोग पूरा गदड़ा, तुपुटान, गसकंडी, बाड़ेगड़ा इत्यादि के गाँव का सब जनता को लेके एक दिन हम लोग महाप्रबंधक का ऑफिस का घेराव करेंगे। राजेश सामंत।